राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नैनी भक्ति सागर में। आज हम आपको दर्शन कराएंगे दिल्ली के कैलाश कॉलोनी के स्कॉन मंदिर के। तो चलिए यात्रा शुरू करें। मंदिर के प्रवेश द्वार पर यह आपको गरुड़ देवता जी के दर्शन होंगे। आप भी हाथ जोड़कर इनको प्रणाम करें। चलिए अंदर की ओर चलते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको सामने कान्हा जी बलराम जी के अद्भुत दर्शन होंगे। और यहाँ पर आरती का समय था जब हम पहुँचे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पुजारी जी आरती कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आरती के पश्चात यहाँ पर भक्तों पर जल छिड़का जा रहा है। सामने भगवान की आरती के दर्शन हो रहे हैं। अब दर्शन करते हैं हम हमारे राम दरबार के। जय श्री राम। आगे दर्शन कीजिएगा हमारे नरसिंह भगवान के। अब यहाँ से हम मंदिर की परिक्रमा शुरू करते हैं। यहाँ पर शुरुआत में ही हमारे कान्हा जी राधा रानी के अद्भुत दर्शन होते हैं। इस परिक्रमा मार्ग में आते ही आपको लगेगा जैसे आप ब्रजभूमि में ही आप भगवान की लीलाएँ देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक तस्वीर में कान्हा जी और राधा रानी की इतनी अद्भुत और सुंदर लीलाएं दर्शाई गई हैं जो हमें ब्रज की याद दिला देती हैं। जैसे इसमें देखिए नंदलाला हमारी यशोदा मैया के साथ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं कान्हा जी और राधा रानी सखियों के साथ। हर प्रत्येक तस्वीर कोई ना कोई भगवान की लीला दर्शाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मटकी फोड़कर माखन खा रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। यहाँ पर राधा रानी सखियों के साथ बैठी हैं। सबसे सुंदर लीला के दर्शन आप कर सकते हैं। देखिए राधा रानी अपने हाथ से कान्हा जी को भोजन करवा रही हैं। यहाँ की प्रत्येक तस्वीर में अंकित भगवान की लीलाएं कुछ ना कुछ आपको संदेश अवश्य देती हैं कि कितना अथाह प्रेम हमारे युगल सरकार में था। देखिए राधा रानी सखियों के साथ हैं, यहाँ पर मुरली बजा रही हैं। हमें भगवान की प्रत्येक लीला से कोई ना कोई सीख अवश्य हमारे जीवन में लेनी चाहिए कि किस प्रकार हमारे भगवान देवियों की इतनी इज्जत करते थे, अपनी पत्नियों की इज्जत करते थे, प्यार दुलार करते थे। इसी प्रकार हमें इस संसार में प्रत्येक स्त्री की पुरुष को इज्जत करनी चाहिए, उसको मान सम्मान देना चाहिए। ये देखिए कान्हा जी भवसागर से सभी सखियों को ले जा रहे हैं। यहाँ पर युगल सरकार के दर्शन हो रहे हैं। बोलो राधे राधे। अब यहाँ पर कितनी प्यारी मनमोहक लीला है भक्तों। यहाँ पर यह परिक्रमा संपन्न होती है। आप देख सकते हैं आप पूरे मंदिर का माहौल इतना सुंदर है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए कितने दर्शनार्थी आए हुए हैं। यहाँ पर आकर आप सारी सांसारिक मोह माया सब त्याग देते हो। एक भगवान की ऐसी सुंदर मनमोहक प्रतिमाएं देखकर, भगवान का यहाँ पर प्रेजेंस देखकर, देख सकते हैं सखियाँ कितने प्यार से यहाँ पर नृत्य कर रही हैं अपने कान्हा को रिझाने के लिए। और क्या चाहिए बताइए इस दुनिया में। आप भी इसी प्रकार प्रत्येक कृष्ण मंदिर में, इस्कॉन मंदिर हो या कोई भी अन्य मंदिर हो, अवश्य जाएं, भगवान के दर्शन करें। आपको ऐसी अद्भुत ऊर्जा प्राप्त होगी, ऐसी अद्भुत ऊर्जा आपको फील होगी, महसूस होगी कि आप सोचेंगे कि पता ही नहीं चला हम कब अपने संसार की इन व्यर्थ की चिंताओं से दूर हो गए। देख सकते हैं प्रत्येक लीला यहाँ पर ऊपर भी दर्शाई गई है, कितना सुंदर है ये मंदिर अंदर से। अब हम बाहर की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीमद् भागवत गीता, अन्य जितने भी हमारे पुराण हैं, पुस्तकें हैं, धार्मिक, सब यहाँ पर मिल रही थी। आप चाहें यहाँ पर आएँ तो ले सकते हैं। और यहाँ पर जन्माष्टमी का त्यौहार होकर हटा था, तो इसलिए ये उसकी सारी साज सजावट लगी हुई है। आप देख ही सकते हैं यह दूर से कितना प्यारा लग रहा है साज सजावट। आप रात के समय आएंगे तो और भी प्यारा लगेगा। अगर आप स्कॉन मंदिर में आ रहे हैं तो आप यहाँ पर अपनी शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान की हर तरह की चीज़ें, सामग्री, पूजन सामग्री मिलती है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं बाहर से ही पता चल रहा है, आप भगवान का कुछ भी लेना चाहें तो यहाँ पर हर पुस्तक, वस्तु, कपड़े, आपको सब कुछ मिलेंगे। यहाँ पर शॉपिंग करने का अलग से पार्ट बना हुआ है, आप देख ही सकते हैं मेरी वीडियो में। देखिए भगवान की लीलाओं की किताबें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं अपनी, आप जो भी चाहें यहाँ से ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। ये देखिए ये रूम फ्रेशनर है जिसको बोला जाता है, घर को महकाने के लिए भगवान से रिलेटेड जो भी यहाँ पर फूल हैं, पुष्प हैं, देख सकते हैं आप, पारिजात का पुष्प है या वाइट मस्क है, यहाँ पर तुलसी का भी मिलता है। ये देखिए हमारे कान्हा जी लड्डू गोपाल जी को आप घर ले जा ना चाहें तो कितने सुंदर लग रहे हैं ना रखे हुए। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। मैं ये देख रही थी क्योंकि फ्रिज पर या वैसे भी आप चिपका सकते हैं, पीछे से मेटल का होता है। तो युगल सरकार का देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों।
और यहाँ पर भगवान की बाल लीलाओं का भी है। यहाँ से आप अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये सारा आप देख सकते हैं, सब कुछ मिलता है ए टू जेड, जो भी आप लेना चाहें। ये आप अपनी कार में, अपने घर में कहीं भी टांग सकते हैं भगवान के चित्र को। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, तुलसी की मालाएं मिलती हैं। जितनी भी चीज़ें आप लेना चाहते हैं ना, भगवान से रिलेटेड, पूजा से रिलेटेड, हर सामग्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप आकर यहाँ पर ले सकते हैं। इस साइड अगरबत्तियाँ हैं, इधर भगवान की पुस्तकें हैं। और बच्चों को अगर आप अपना कान्हा जी के बारे में लीलाएं बताना चाहें तो उनसे भी रिलेटेड, बच्चों को समझाने के लिए भी छोटी छोटी पुस्तकें मिलती हैं यहाँ पर। देखिए ऊपर श्रीला प्रभुपाद जी के भी दर्शन हो रहे हैं। एक बार दिल से जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। ये देख सकते हैं आप, काली नाग पर भगवान नृत्य कर रहे हैं। अच्छे अद्भुत दर्शन हुए हैं। आपने वीडियो में देख ही होंगे कि कितने प्यारे हमारे कान्हा जी तो हैं ही सलोने, और राधा रानी उनके साथ और भी प्यारी कर रही है। अंतिम दर्शन आपको यहाँ पर होंगे भोलेनाथ जी और यशोदा मैया के साथ छोटे से नंदलाला के। अगर आपको हमारी ये ज्ञानवर्धक वीडियो, हमारे कान्हा जी और राधा रानी जी के दर्शन अच्छे लगे हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली किसी तरह की एक अच्छी वीडियो में। राधे राधे।